गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटे। हम आज करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। लास्ट लेक्चर में हमने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था उसकी डेफिनेशन, उसके अलावा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में बेटा स्टडी किया, और एक डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स है। आज जो टॉपिक है वो आगे उसी से चलेगा, जैसे कि हम कर रहे थे बेटा लिगेंड्स, और जो लिगेंड्स सराउंडिंग में जुड़े होते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के, उनके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी की वजह से वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े होते हैं, जिसे हमने पढ़ा था भी हम यूनिडेंटेड, मोनोबेंड, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या टेट्राडेंटेड नाम देते हैं। उसी को आगे करते हुए जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी बताया था भी इथेन 1,2 डाइअमाइन, जिसके अंदर हम देखते हैं भी नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर है, दो नाइट्रोजन पे, जैसे कि अपना का एग्जांपल था ये था बेटा CH2, इधर है NH2 और इधर भी क्या है NH2, इसके ऊपर ये लोन पेयर। तो ये दो लोन पेयर होने की वजह से इसको जो नाम दिया गया था, वो जो हमने नाम दिया बेटा उसको क्या नाम था आपका, वो नाम था डाइडेंटेड, क्योंकि दो लिगेंड इसके ऊपर जुड़े हुए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डाइडेंटेड कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग देखें भी और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया था EDTA का, तो इस बेस पे एक डेस्टिनेशन है बेटा डेंटिसिटी, डेंटिसिटी भी डेंटिसिटी किसे कहा जाता है। तो देखिए जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और जो लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एक लिगेंड के अंदर, क्या कहेंगे भी जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और जो लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है किसी भी लिगेंड के अंदर इज कॉल्ड द डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। क्या कहेंगे हम डेफिनेशन, अगर देखें डेफिनेशन में आएगा द कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड, द कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड। वो क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी उस लिगेंड की। जैसे अपने पास बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम करते हैं, जैसे आपके पास है डाई डेंटेड, डाई डेंटेड लिगेंड, हम क्या नाम देंगे, डाई डेंटेड चिलेशन इसको नाम दिया जाता है, चिलेशन। और चिलेशन होती क्या है, इसकी भी बेटा डेफिनेशन की जा सकती है भी चिलेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन भी देखिए क्या होती है भी, डेंटिसिटी तो आपने पढ़ ली, लेकिन चिलेशन क्या है बेटा, एक ऐसी रिंग होती है जिसके अंदर जो ये लिगेंड है वो जुड़े हुए होते हैं। हम डेफिनेशन की अगर बात करें, कहा जाता है भी द लिगेंड मे कंटेन टू डोनर एटम, भी एक लिगेंड है जो कंटेन करता है टू डोनर एटम्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स का, क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। पोजीशन उसको हम इस तरह से पोजीशन करते हैं भी एक 5 और 6 मेंबर रिंग बनती है विद द मेटल आयन, देन इट इज कॉल्ड बाइडेंटेड, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड का नाम देते हैं। और जो ये रिंग बनती है उसे कहा जाता है चिलेट रिंग, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एफ ए मेटल चिलेट कहलाएगा, मेटल चिलेट। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको बेटा क्या नाम दिया जाता है, चिलेशन का। मीन्स आपको ये पता लगा कि डेंटिसिटी क्या थी, जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट थे किसी भी लिगेंड में, वो किससे जुड़े हुए, सेंट्रल मेटल से, किसे, डोनर एटम के द्वारा। तो जो डोनर एटम से बेटा 5 या 6 मेंबर रिंग बनती है उसको चिलेट रिंग कहा जाता है, और जो मेटल ये बनाता है वो मेटल चिलेट कहलाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी उसको हम क्या नाम देते हैं, चिलेशन का नाम देते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल जैसे अपने पास है, फर्स्ट एग्जाम्पल डाइडेंटेट का है, इसमें मैंने लिया प्लेटिनम डाइक्लोराइड इन PtCl2En, इसके अंदर जो हमारे पास रहेगा फार्मूला है बेटा प्लेटिनम PtCl2En, En क्या है, इस फार्मूले को कहा जाता है
इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो इसकी जो शॉर्ट एब्रीवेशन है वो लिखी जाती है बेटा EN। तो वो कह रहे हैं हम प्लेटिनम Cl2EN। तो अपने पास देखो क्या हुआ, जो सेंट्रल मेटल है वो कौन है बेटा, प्लेटिनम है। सेंट्रल मेटल इज प्लेटिनम और इसके सराउंडिंग में आप देखेंगे भी दो तो क्या जुड़ेंगे, क्लोरीन, और एक बेटा क्या सोच जुड़ेगा इसके साथ, जो इथेन अमाइन है। तो हम देखेंगे भी आपके पास क्या था, CH2 NH2। इधर भी बेटा क्या है, NH2। ये है प्लेटिनम, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, इसके साथ लोन पेयर है। और देखो ये इसके साथ रिंग बना रहा है, ये यहां पर बना रहा है। तो प्लेटिनम के साथ देखो क्लोरीन तो बेटा बना ही रहे हैं, और जो दो हमारे डोनर एटम है नाइट्रोजन के वो भी इसके साथ रिंग बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं भी। अगर हम ट्राइडेंटेट का एग्जांपल ले लें या टर्डेंटेट का एग्जांपल ले लें, इसके अंदर भी आप देखोगे भी जो डाईन है वो कितने जुड़ेंगे प्लेटिनम के साथ, तीन जुड़ेंगे। ठीक है, तो तीन जुड़ने के बाद यहां पे आप देखोगे भी एक क्लोरीन एटम जो है बचेगा। तो ये एग्जांपल किसका है, टर्डेंटेट का। मतलब यहां से हम इस क्लोरीन को निकाल देंगे, सॉरी, जब ये क्लोरीन चला जाएगा तो आपके पास बेटा क्या होगा, जो एक और हमारे पास क्या है, इथेन डाइअमाइन, वो यहां पे जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा भी, इसके साथ हम एक हाइड्रोजन क्या करेंगे कम करके इधर करेंगे CH2। ये भी क्या है CH2, इसके साथ क्या है NH2 लोन पेयर। तो ये जो क्लोरीन है बेटे ये यहां पे कंबाइन कर रही है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, टर्डेंटेट का। इसको क्या कहा जाएगा, टर्डेंटेट का एग्जांपल दिया जाएगा, टर्डेंटेट। इसी प्रकार से आप टेट्राडेंटेट लेंगे तो टेट्रा में क्या होगा, ये क्लोरीन भी बेटे हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो इस क्लोरीन को भी देखो जो आप यहां से हटाओगे तो देखिए क्या होगा, ये अपने पास पहले से था CH2 यहां पे, इसमें क्या किया आप यहां देखो, इसके साथ फिर से क्या होगा CH2 CH2 NH2। ये एक यहां पे जो हाइड्रोजन है तो सॉरी यहां नहीं जुड़ेगा, इधर नहीं जुड़े, इसके साथ यहां जुड़ेगा CH2 CH2 NH2। इसके ऊपर लोन पेयर है, ये अब यहां पे क्या करेगा, कोऑर्डिनेटिंग करेगा। तो ये इसके साथ क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्मेशन करवाएगा, जो कि हमने पढ़ा। इस प्रकार से आपने ये एग्जांपल लेने हैं जो कि किसका है, टेट्राडेंटेट का। तो बेटा बुक में आपको बहुत सारे जो एग्जांपल है वो इसके दिए गए हैं। फिर जैसे कि आप लोगों को पता है, बताया भी था भी, हमारी बुक में एक टेबल दी हुई है जिस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे भी जो ये टिपिकल कुछ लिगेंड्स है उन पे जो चार्ज है जो जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल से वो चार्ज कितना होता है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो जीरो है। कैसा है, वो यूनिडेंटेड टाइप का है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम बात करेंगे अमोनिया की, अमोनिया पे जो चार्ज है वो भी कितना है, जीरो। किस टाइप का है, यूनिडेंटेड। इसी तरह कार्बोनाइल है, ये कैसा है, यूनिडेंटेड, चार्ज कैसा है, जीरो। फिर आप बात करोगे इथेन 1,2 डाइअमाइन की, चार्ज बेटा इस पे जीरो है लेकिन ये कैसा है, डाइडेंटेड, क्योंकि दो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से अपने पास एक एग्जांपल है, टेबल दी गई है बुक में, वहां से आप लोगों ने करना है। अब आ जाता है सम इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स भी, जो कुछ इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है बेटा। टॉपिक क्या है, सम इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स। तो इसमें देखो बेटा क्या है, जो ये करेक्टरिस्टिक्स है इसमें देखो ये कहा गया भी जो चिलेटिंग लिगेंड है, जो चिलेटिंग लिगेंड है फॉर्म वन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या करता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं किससे, यूनिडेंटेड से। तो इसको हम क्या नाम देंगे, चिलेटिंग इफेक्ट कहेंगे। नंबर दो आप क्या करेंगे भी, ग्रेटर द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, जितनी ज्यादा बेटा लिगेंड की क्या होगी, डेंटिसिटी। देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखना चाहें क्या कहेंगे भी, चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन अनयूनिडेंटेड, दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। उसको क्या कहेंगे, चिलेटिंग इफेक्ट। हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट है चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल
इसे देन फॉर्म देन द यूनिडेंटेट रिंग। इसे जो हमारे पास क्या यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं, इसकी इसे जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, बी ग्रेटर द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, जितनी ज्यादा डेंटिसिटी है लिगेंड की, मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। दूसरा पॉइंट है ग्रेटर इज द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, बी ग्रेटर इज द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड मोर स्टेबल, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा, फॉर्म होगा, ये सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट में कहेंगे भी जो चिलेटिंग लिगेंड है, कौन है जो चिलेटिंग लिगेंड है बेटा आपका, वो क्या करेगा, विच डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, जिसमें क्या है डबल बॉन्ड नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे हम इथाइलिन डायमाइन की बात करते हैं, वो एक फाइव मेंबर रिंग बनाता है, तो ये जो लिगेंड है सच है, जैसे एसिटाइल एसीटोन फॉर्म सिक्स मेंबर रिंग स्टेबल रिंग, मतलब कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड नहीं कंटेन करते, ठीक है, उसके अंदर क्या है एक फाइव मेंबर स्टेबल रिंग बनती है जिसको हम लेते हैं। क्या कहेंगे भी जो चिलेटिंग लिगेंड है विच डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड फॉर्म फाइव मेंबर रिंग। थर्ड पॉइंट है चिलेटिंग लिगेंड्स विच डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल इथेन इथेन 1,2 डाइन, क्या नाम दिया है बेटा इथाइलिन डायमाइन नाम दिया गया है, इथाइलिन डायमाइन फॉर्म फाइव मेंबर स्टेबल रिंग, वह फाइव मेंबर जो स्टेबल रिंग है वो फॉर्म करता है। इसी प्रकार लास्ट रहेगा भी जो लिगेंड है विद लार्ज ग्रुप्स, ऐसे लिगेंड जो क्या है लार्ज ग्रुप्स फॉर्म अनस्टेबल रिंग देन द लिगेंड विद स्मॉलर ग्रुप ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट लिगेंड्स विद लार्ज ग्रुप्स, जो लिगेंड है विद लार्ज ग्रुप्स फॉर्म अनस्टेबल, जो ये क्या करेंगे बेटा अनस्टेबल जो है रिंग्स बनाएंगे, अनस्टेबल रिंग्स देन द लिगेंड्स कंटेन स्मॉल ग्रुप, जो क्या करते हैं स्मॉल ग्रुप्स कंटेन करते हैं। तो ये बेटा क्या है करैक्टरिस्टिक्स है हमारे किसके लिए, जो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है किसी भी चिलेट्स के लिए, तो ये हमने फॉलो करने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट, ये तो क्या है करैक्टरिस्टिक्स, जो इंपॉर्टेंट ऑफ चिलेट्स है, चिलेट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या रहेगी, हम अगर ये पढ़े इंपॉर्टेंस तो देखिए उसमें क्या रहेगी, आपने ध्यान से सुनना है, अपने पास है इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट है बेटा इसमें हम क्या पढ़ेंगे भी, इट इज कहां यूज होंगे, इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर दो, इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, जो लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड है उसको सेपरेट करने में इसका यूज किया जाएगा। इन द डिटेक्शन ऑफ सब मेटल आयन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वहां पर जो मेटल आयन है उसको बेटा डिटेक्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंस रहेगी, इन द एस्टिमेशन ऑफ
निकल टू, मैग्नीशियम टू एंड कॉपर टू आयन क्वांटिटेटिवली। इनकी जो एक्सट्रैक्शन एस्टिमेशन है वो करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या रहेंगे, इंपोर्टेंस रहेंगे चिलेट्स के। इसके अलावा अपने पास बेटा क्या है, एक और डेफिनेशन आ जाती है, वो क्या है, एमबी डेंटेट लिगेंड्स। एमबी डेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं, तो देखिए बेटा जो यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, जो कंटेन करते हैं मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम, क्या कंटेन करते हैं, मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आर कॉल्ड एमबी डेंटेट लिगेंड्स। हम क्या कहेंगे, वी यूनिडेंटेट लिगेंड कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स, क्या नाम था इसको हमने, यूनिडेंटेट लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग, क्या कहा इसने, जो यूनिडेंटेड लिगेंड है कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स, मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आर कॉल्ड एमबी डेंटेड लिगेंड। उसको हम क्या नाम देंगे, एमबी डेंटेड लिगेंड का नाम देंगे। एग्जाम्पल भी हमारे पास बेटे बहुत हैं, जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रेट होता है NO2-, वो कंटेन करता है थ्रू आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब वो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप बनाएगा या तो नाइट्रोजन से या किससे, ऑक्सीजन से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम उसका, देखो बेटा तो एग्जाम्पल रहेगा इसका, ये हम ले रहे क्या है, NO2-, और इसको किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है, भी हम या तो नाइट्रोजन से मेटल का बोर्ड बनाएंगे या ऑक्सीजन के साथ बनेगा। तो आप देखो भी अगर हम नाइट्रोजन का मेटल के साथ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप बनाते हैं तो ये क्या, डबल बोर्ड ऑक्सीजन, सिंगल बोर्ड ऑक्सीजन रहेगी यहाँ पे अपने पास। एंड अगर आप ऑक्सीजन का बनाते हो और मेटल ऑक्सीजन से क्या बना रहा है, जो कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड है वो बना रहा है, तो बेटा जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये नाइट्रोजन डबल बोर्ड का रहेगा ऑक्सीजन। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल हैं जहां पर आप देखोगे भी जो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है वो होते हैं, जैसे कि अपने पास साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, इसी प्रकार से आप देखेंगे भी जो अपने पास क्या बेटे दूसरे एग्जाम्पल, उनमें भी जो है कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप इस तरह से ही जुड़ेंगे। तो ये अपना एम्बीडेंटेड रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आप लोगों को पता है इसके बारे में बताया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, फर्स्ट यूनिट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था भी किसी एक एटम के सराउंडिंग में, जैसे कि आप देखते हो ये एक हमारा स्फीयर है और इस स्फीयर के सराउंडिंग में हमने देखा ये कितने हैं, 6 स्फीयर है। आप देखते हो ये एक स्फीयर है, इसके सराउंडिंग में ये 4 स्फीयर है। तो क्या कहा था, जब एक के सराउंडिंग में 6 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, और जब एक के सराउंडिंग में 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 4। और अगर आप इसको ये लेते हो तो इसके सराउंडिंग में देखो कितने हैं, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ही अब जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें आप देखेंगे भी सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे एग्जांपल है FeCN6K4, ये हमारे पास आ गया जो K4 FeCN6। इसी प्रकार से आप और भी एग्जांपल लेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे ये हमारे पास जो लिगेंड्स है वो इसमें कितने जुड़े हुए, इसको हम मान के चलेंगे पोटेशियम नियम, मान लो ये क्या है आपका सी है और साइनाइड, इसको लेते हैं 4 और बाहर क्या है 2+, ये लेते हैं तो इसमें देखो
साइनाइड कितने हैं? चार हैं जो आयरन के साथ जुड़ेंगे। इसी प्रकार से आप मान लो लेते हो क्या, आप लेते हो Ni H2O6 और बाहर बेटा 2+, तो यहाँ वाटर देखो कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर की। नेक्स्ट इसके बाद डेफिनेशन आ जाती है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेट काउंटराइन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी एंड काउंटर आयंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम है एंड द लिगेंड्स है विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ईच अदर एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब भी जो हमारे पास जैसे आप कहते हो भी ये निकल है और ये क्या है, वाटर है, 6 जुड़े हुए हैं, बाहर 2+4 है। तो देखिए ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और ये क्या है, लिगेटिंग ग्रुप मींस लिगेंड्स। तो इस सेंट्रल मेटल एटम को और जो ये लिगेटिंग ग्रुप है दैट इज लिगेंड्स, इनको इस जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम देते हैं। और इस स्फीयर ब्रैकेट के बाहर जो ये चार्ज होता है बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं, काउंटर आयन का नाम देते हैं। तो आपने देखा कि ये जो स्फीयर ब्रैकेट है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जबकि ये जो चार्ज है ये क्या है, काउंटर आयन, इसको हम क्या नाम देंगे, काउंटर आयन का नाम देंगे बेटा। तो ये हमारे पास क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा किसे कहा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेमिंग ऑफ IUPAC कंपाउंड और फार्मूला उसके अंदर बेटा इसका यूज होगा, तो बड़े ध्यान से हम लोगों ने करना है। जैसे नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, भी जो हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल भी आता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसी प्रकार ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी आएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 रहेगा। ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं, ये मेटल है, एक लिगेंड है, ये लिगेंड बेटा, ये लिगेंड, ये लिगेंड, इस तरह से क्या बनेगी हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री कैसी बनेगी बेटा, टेट्राहेड्रल बनेगी। तो ये हमारा क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी इन क्लास प्लस 1 रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बेटा स्टडी कर चुके हो, और वैसे भी आप लोगों को पता है भी कोई भी हमारे पास जो है ग्रुप होता है उसका जो नंबर है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंसी है, वो क्या उसकी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, तो हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, सिंपल एग्जांपल लिया जाए, आपके पास है KMnO4 और यहाँ कहता है जो ये मैग्नीज है इसका बेटा फाइंड करना हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अगर हम प्लस वन ले इसमें क्या है, पोटेशियम में प्लस वन है, जबकि अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो क्या है, -2। मैग्नीज का हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा, प्लस में इसको मैं x मानता हूं, प्लस में ऑक्सीजन 4 इंटू -2 चार 0, ये 1, x -8 0, x -7 0 और x -7। इट मींस जो ये मैग्नीज है इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, +7 रहेगा।
तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूले में जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, इसको हमने रोमन में राइट डाउन करना है। किसमें राइट डाउन करना है? रोमन में। जैसे कि आपके पास होता है कॉपर और उसका ऊपर चार्ज क्या है, 2+, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, Cu ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। अगर इसी तरह देखो आयरन है 3+, ये कैसे लिखेंगे, Fe स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारे पास 3। तो हमने ऐसे लिखना है, और जो हमारे फार्मूले यूज होंगे वहां पर आपने इन को ऐसे लिखोगे। फिर आ जाता है बेटा नेक्स्ट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। जो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसे हम राइट आउट करते हैं या निकाला जाता है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, विच चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए वैसे तो बेटा क्या होता है, भी जो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन है वो जो स्क्वेयर ब्रैकेट में मेटल के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है, उस मेटल और लिगेंड का जो चार्ज का सम है वो क्या होता है बेटा, जो हमारा चार्ज है बाहर किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो होता है। डेफिनेशन अगर बात की जाए, भी द चार्ज कैरिड बाय ए कॉम्प्लेक्स आयन इज द एल्जेब्रिक सम। क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज कैरिड बाय द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड कोऑर्डिनेटिंग टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी, जैसे कि हम मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आप देखेंगे भी जो हमारे पास जैसे एग्जांपल है बेटा Ag(CN2) और बाहर चार्ज किया गया है -1, तो ये जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसे आया, भी इन दोनों का जो चार्ज का सम है, सिल्वर पे चार्ज होता है +1, साइनाइड का है -1, तो देखो ये कितना हो गया +1, ये -1 × 2 -2, तो +1 - 2 कितना आया -1, तो बाहर देखो क्या दे रखा है उसने, -1 ही दे रखा है बेटा अपने को। ठीक है, इसी प्रकार से मान के चलो आप ये लेते हो Ni H2O6, बाहर क्या है 2+, और देखो निकल में बेटा क्या होता है 2+, वाटर में क्या है 0, तो 2+ × 6 × 0 क्या आएगा 2, और बाहर भी क्या दे रखा उसने अपने को 2 दे रखा है, तो ये क्या रहेगा, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रखना वो है होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं ये पढ़ना है। देखो वी कॉम्प्लेक्सेस इन विच जो मेटल एटम और आयन है लिंक्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। डेफिनेशन में क्या कहा जाता है, भी जो होमोलिप्टिक है, देखो इसमें हम क्या कहेंगे बेटा, होमोलिप्टिक में इसमें आप ये कहोगे वी कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, इस कारण होमोलिप्टिक, वो क्या कहलाएगा बेटा, होमोलिप्टिक कहलाएगा। और अगर हेट्रोलिप्टिक की बात की जाती है तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो एक से ज्यादा, जैसे इसका जो एग्जांपल आपके पास है वो क्या है, Ni H2O6 2+, और आप क्या लेते हो Fe Cn4 2+, तो यहां देख रहे हैं कि एक टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, होमोलिप्टिक है। जबकि हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड जुड़े होते हैं, तो इसका जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं, जैसे जो हेट्रोलिप्टिक है बेटा CO NH3 4 Cl2, ठीक है, इसमें क्या है CO NH3 4 Cl2 और चार्ज क्या है बाहर प्लस, तो देखो यहाँ पे अमोनिया भी है क्लोरीन भी है। इसी तरह से और भी कोई एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड जुड़े होते हैं, तो उसको हम ये नाम देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे।
लास्ट डेफिनेशन बेटा जो बनती है वो है होमो न्यूक्लियर और पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं। हम क्या कहेंगे, होमो न्यूक्लियर एंड पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम जैसे करते हैं होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। जो होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस है इसमें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन मेटल एटम इज प्रेजेंट आर नोन एज होमो न्यूक्लियर। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। उसको आप क्या नाम देंगे, होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को अभी बताए हैं बहुत सारे, FeCN4 2+ और NiH2O6 2+ और AgCN2-1। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के हैं। और अगर बात की जाए बेटा पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स इन विच मोर देन वन। हम क्या कहेंगे भी, इसमें कहेंगे कॉम्प्लेक्स इन विच मोर देन वन, इन विच मोर देन वन मेटल एटम इज प्रेजेंट इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल आप जैसे लोगे इसके अंदर एग्जाम्पल बेटे अपने पास है बहुत सारे, जैसे आप लोगों को पता ही है K4 H2 में हम क्या लेते हैं बेटा K4 FeCN6। जैसे आप देख रहे हो आयरन एक है और यहाँ पे पोटाशियम भी है, तो एक से ज्यादा दो मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या नाम देंगे, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा जो आप लोगों ने करनी है। इसके बेस पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा फार्मूला नॉर्मन क्लेचर, उसमें ये यूज होंगे। तो आज इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।